हाँ नाज़रीन, इस वक्त बर्फ़बारी जारी है। आज हम खपलू जो थोकशिखर पैलेस, जो कि थोकशिखर जो मस्जिद है, हम उस पर जा रहे हैं। तो मोहतरम खादिम अशरकी, खादिम नूरी है, जो कि ज़िला गांसे का जो मशहूर शायर है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आप कहाँ जा रहे हैं खादिम भाई? जी हम इस वक्त थोकशिखर की तरफ जा रहे हैं। थोकशिखर? जी थोकशिखर। क्यों क्यों जा रहे हैं? ये खपलू का एक बेहतरीन लोकेशन है, जहाँ से पूरे खपलू पूरा गांछे नज़र आते हैं। और आज का मौसम भी बड़ा सुहाना है, बर्फबारी है, तो जाहिर बात है बर्फबारी का अपना एक मजा है। बिल्कुल, अपना एक एंजॉयमेंट है। ठीक है जी, अल्लाह ताला की नियामत है, उससे हम ठीक है। खादिम भाई आप चलिए, तो हम खादिम हुसैन नूरी साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नूरी साहब, आज हम जा रहे हैं जी थोकशिखर पैलेस। बिल्कुल, तो आप क्या कहते हैं कि जो नाज़रीन है, सामीन है, देखने वालों को? बहुत शुक्रिया जाहिद भाई, आप अरसे बाद यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। तो ये थोकशिखर यकीनन हमारे बल्तिस्तान के बिलखसूस ज़िले गांछे के तारीखी मुकामात में होता है। ये यबगो सलीम अल्द के दौर में तामीर हुई थी, और स्कर्दो राजा से जंग के बाद इसको मुसमार किया गया था, इसको तबाह व बर्बाद कर दिया गया था। लेकिन उसके आसार अब भी जो है यहाँ पर आसार यहाँ पर मौजूद हैं, आसार आप देख सकते हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि इस जगह से, इस खूबसूरत मुकाम से पूरा खपलू का नज़ारा किया जा सकता है। इसलिए इस मौसम का फ़ायदा उठाते हुए इंशाल्लाह हम वहाँ तक। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, देख सकते हैं गरपुचू वली है, जो खपलू का सबसे टॉप पे ये गांव वाक़ है। बहुत ही खूबसूरत इस वक्त बर्फबारी जारी है खपलू में। तो हम ये जो रास्ता है थोकशिखर पैलेस के तरफ जाते हैं, हम जा रहे हैं, मेरे साथ है खादिम अशरकी, जो कि बल्ती शायर है, खादिम हुसैन नूरी साहब है, जो हम जा रहे हैं, जो आप देख सकते हैं ये जो पहाड़ी है, पहाड़ी के जो टॉप जो मस्जिद आप देख रहे हैं ना, इस मस्जिद पे हम जाएंगे, वहाँ हम शेर शायरी करेंगे, आपको खपलू का खूबसूरत सीन हम दिखाएंगे, आप देखते रहिए। थोकशिखर पैलेस, जो कि अभी यहाँ से तकरीबन 10 मिनट का और रास्ता है। तो देखो अब बूढ़ा हो गया, इतना थकान महसूस कर रहा है। नूर साहब क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, यहाँ पे यहाँ पहुँचना, यहाँ तक पहुँचना दिल गुर्दे वालों का काम है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं आगे तक पहुँचने की। और बर्फबारी भी हो रही है, बर्फबारी भी हो रही है, तो ऊपर पहाड़ के ऊपर हमें जाना है, जो कि पुराने ज़माने में खादिम नूरी साहब ने कहा था कि सलीम था जिसने इसको तामीर किया था, जो कहते हैं कि बल्की वो पुराने दौर में एक नाम था करपोख मुलबे, जो कि नकपोख मुलबे, कोई कहता है इन लोगों ने बनाया, कोई कहता है सलीम अल्दे ने बनाया, कोई कहता है कि खपलू का जो दूसरा राजा ने बनाया। अब देखते हैं ऊपर जाके हम इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री करेंगे, कि हम पूछेंगे खादिम अशकी साहब से, नूरी साहब से। आप लोग देखते रहिए, हमारे साथ रहिए, हम जाएंगे। नाज़रीन हम नीचे से हम आए थे, अभी हम यहाँ पहुँचे हैं, आप देख सकते हैं कि गारबुजुम का इंतहाई खूबसूरत जो मंज़र है, इस तरफ आप देख सकते हैं हैप्पी वैली, इसके ऊपर जो एक मस्जिद है, जो कि बुआ नठू साहब ने इसको तामीर किया था। तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ से ऊपर हम जाएंगे थोकशिखर, जो कि एक इंतहाई खूबसूरत जो पुराने ज़माने में महल हुआ करता था, अभी ये मस्जिद है, आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जाहिद सोयतो है, मेरा ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान के माथे का जुमर वादी खपलू से है। आज हम वादी खपलू की इंतहाई जो खूबसूरत जो थोकशिखर पैलेस है, थोकशिखर मस्जिद है, यहाँ हम पहुँचे हैं। तो हम आप लोगों को, पहले भी हम जब खपलू में पहुँचे थे, हमने आप लोगों की खदमत में इंतहाई खूबसूरत शेर व शायरी खपलू के जो मशहूर शोरा है, इनके साथ हमने किया सलीम में जाके, और ख़जां के जो वक़्त हमने शेर व शायरी किया। आज हम सबसे पहले हम जो थोकशिखर के बारे में जो तारीख़ी है, तारीख़ जो क्या कहते हैं, हम पूछते हैं खादिम नूरी साहब से। बहुत शुक्रिया खादिम नूरी साहब, आप नाज़रीन को बिलखसूस जो औसत पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान से जो बाहर है, बल्तिस्तान से जो बाहर है, जो हमारे उस तरफ जो लद्दाख करगिल के जो लोग हैं, इन लोगों को जो वहाँ पे लोग सुनते हैं कि थोकशिखर के बारे में, इनको पता नहीं है कि आप इनके बारे में आप बताएं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जाहिद भाई,
आप खुशी कवरेज के लिए यहाँ पर तशरीफ लाएँ तो सामिन नाज़रीन मुख्तसरन इस खूबसूरत तारीख़ी मुकाम के हवाले से आपको बताते चलूँ तो वैसे तो रिवायत बहुत सारी रिवायत हैं इस खूबसूरत मुकाम के हवाले से, लेकिन मैं एक मुस्तनद आपको हवाला दे के इस तारीख़ी पस मंज़र के बारे में बताऊँगा। वो कुछ यूँ है कि मौली हशमतुल्लाह लखनवी तारीख़ जम्मू में लिखते हैं कि जब बेद भाई ये मारूफ तारीख़ी मुकाम सियाहती मुकाम थोर शिखर के बारे में आपको बता रहा था तो इस खूबसूरत मुकाम का शुमार बल्तिस्तान के इंतहाई खूबसूरत और तारीख़ी मुकामात में होता है। यहाँ के जो पस मंज़र कुछ इस तरह है कि मौलवी हशमतुल्लाह लखनवी जो पॉलिटिकल एजेंट था उसने किताब तहरीर की है तारीख़ जम्मू के नाम से, उसमें वो लिखते हैं कि जब यबगो सलीम अल्दे के दौर में नाला हुशे और सल्तुर नाले से शदीद तुगयानी आई और उस वक़्त राजा खपलू का जो महल था वो सलीम के मुकाम पर मौजूद थे तो पानी के ज़िद में आया राजा का महल, लिहाजा राजा ने अपने लिए महफूज मुकाम ढूंढते ढूंढते वो खपलू आए। खपलू में उसे अच्छा लगा ये जगह, ये पहाड़ी पर मौजूद ये जगह राजा सलीम अल्दे को अच्छा लगा तो राजा सलीम अल्दे ने चाहा कि किसी सूरत इस ज़मीन को इस पहाड़ी को हासिल किया जाए। उस वक़्त यहाँ पर एक मकान होता था, उस मालिक के मकान का नाम था ब्रोकपथुर, ब्रोकपथुर के नाम से एक मकान होता था तो यबगो सलीम अल्दे ने ब्रोकपथुर से रिक्वेस्ट की और उससे मकान ख़रीदा और ख़रीदने के बाद यहाँ पर उसने बहुत ही खूबसूरत एक महल तामीर की। यानी ब्रोकपथुर से मकान ख़रीदने के बाद कश्मीरी तरखानों के ज़रिए उस महल की तज़ीन आराइश की गई। आप उस महल की आसार आप देख सकते हैं, जाहिद भाई आप देखें ये पहाड़ों पर, इस पहाड़ी के ऊपर उस महल के जो है आसार हैं। यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है, वहाँ से जो है दरे अपना नाला दांचे जो है दरे नीचे जाती है और दरे अशोक में शामिल होता है। तो ये बहुत ही महफूज मुकाम था और एक वक्त ऐसा आया यहाँ पर एक मुसीबत की घड़ी आई यहाँ के राजा के लिए। राजा स्कर्दो और राजा खपलू के दरमियान एक गुमसान की जंग छिड़ गई यहाँ पर और चारों तरफ से इस पहाड़ी के ऊपर हमलावर हुए राजा स्कर्दो के अफवाज। बहरहाल किसी सूरत इस मुकाम को तस्खीर करने में नाकाम रहे तो उन्होंने इस महल का मुहासरा किया और राशन पानी बंद कर दिया यहाँ के राजा पर, तो इसलिए राजा हथियार डालने पर मजबूर हो गए। हथियार डालने के बाद कहा जाता है कि राजा स्कर्दो की फौज ने यहाँ आने के बाद इस महल को, इस खूबसूरत मुकाम को जो है तहोबाला कर दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया, यानी तबाह हो बर्बाद कर दिया और राजा को यरगमाल बना के गिरफ्तार करके यहाँ से लेकर गए। और उसके कुछ अरसे बाद, कई अरसे बाद जो है राजा जब जेल से छूटने के बाद वो खपलू आए और खपलू के बहुत ही खूबसूरत मुकाम है यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, सरपा घर इसे कहते हैं। तो इस महल के बर्बाद होने के बाद यहाँ पर महल तामीर की और यहाँ पर रिहाइश पजीर हुए और आज ये जो है ये महल जो है खपलू प्लेस के नाम से जाने जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत तारीखी मुकामात में इसका शुमार होता है। टूरिस्ट यहाँ आने के बाद यहाँ पर रिहाइश पजीर होते हैं, यहाँ पर सुकूनत इख्तियार करते हैं। तो बहुत शुक्रिया जाहिद भाई। हाँ बहुत शुक्रिया अशक खादिम नूरी साहब, आप सबको बता रहे थे कि तारीखी लिहाज से ज़िला गांछे के जो खूबसूरत हेडक्वार्टर खपलू के जो तारीखी पस मंज़र के बारे में आपको बता रहे थे तो आप लोगों ने देखा कि ये है इंतहाई खूबसूरत जो कि राजा जो बल्ती ज़बान में खर कहते हैं जो राजा पैलेस हैं फोर्ट हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरफ आप जो कि प्लोग्राउंड है इस वक्त बर्फ़ इसमें जमे हुए हैं, आप देख सकते हैं ये जो सात जो गांव है बहुत ही खूबसूरत। जब सामिन हम आज जो कि जो बर्फ़बारी का जो मौसम है सर्दी का मौसम है तो हम स्पेशली खादिम अशरकी साहब से एक इंतहाई जो खूबसूरत शेर शायरी आप नाज़रीन को पेश करें ताकि आप एक जो कि सोशल मीडिया पे आपको बहुत लोग पसंद करते हैं कि जब यहाँ पे लोगों को पता नहीं है तो जब बाहर जाते हैं लोग आपको ज़्यादा पसंद करते हैं, आपकी जो मजाहिया शायरी है तो लोग इंजॉय करते हैं। बहुत शुक्रिया खादिम अशरकी साहब। जी जाहिद साहब, सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके साथ साथ जो ना बहुत सारे लोग, मिलियंस ऑफ पीपल हु आर अटैच विद यू, ठीक है। इन दिस इज ए स्पेशल टाइम फॉर मी टू शेयर समथिंग विथ यू, पर्टिकुलरली व्हेन आई एम हियर ऑन द टॉप ऑफ खपलू। यू नो दिस इज थोसी खर विच इज़ वन ऑफ द
यानी फेमस टूरिस्ट स्पॉट बट स्टिल इग्नोर्ड एंड मेनी पीपल डोंट नो वेयर दिस प्लेस इज. सो आई वांट टू टेल देम एंड आई वांट टू शेयर विद देम दैट द मिलियंस ऑफ टूरिस्ट हु कम टू गिलगित बल्तिस्तान टू सी द एरिया. सो इफ यू डोंट विजिट थौसीखर of this place, your visit is left incomplete. जी जी. तो जो मेरे नाजरीन जो मुझे सुनते हैं, मेरे शोर शारी सुनते हैं, तो मजाहिया शहर में मैं आपको बाद में पढ़ूंगा. अभी यहाँ से घर से नीचे से ऊपर आते आते मुझे कुछ मतलब मैंने जाहिद साहब बर्फबारी के हवाले से लिखा है, ये गांछे कितनी प्यारी है यहाँ पर बर्फबारी है. बहुत वाह क्या क्या ये गांछे कितनी प्यारी है यहाँ पर बर्फबारी है और बड़ा दिल और जिगर का काम है इस टॉप पर आना. ये बहुत ऊंचाई पर है. बड़ा दिल और जिगर का काम है इस टॉप पर आना मगर हिम्मत ना हारी है यहाँ पर बर्फबारी है. मगर हिम्मत ना हारी है यहाँ पर बर्फबारी है और हमारे हौसले और अजम से दुश्मन भी घबराते. नूरी साहब हमारे हौसले और आजम से दुश्मन भी घबराते हैं और मोदी पे तारी है यहाँ पर बर्फबारी है. हमारे हौसले मोदी पे तारी है यहाँ पर बर्फबारी है. मेरे इस खूबसूरत सरजमी को देखने को दूर से आते हैं शायद दुनिया सारी है यहाँ पर बर्फबारी है. ये गांछे कितनी प्यारी है यहाँ पर बर्फबारी है. बहुत शुक्रिया खादिम अशकी साहब. आप लोगों को सुना रहा था कि इंतहाई खूबसूरत जो बर्फबारी के हवाले से जो आपको लोगों को पेश किया. नाज़रीन हम अभी हम आपको बलती ज़बान में हम कुछ आपको बताते चलें. वनर मशाजो दिवला मायात जो लेखी छो ब्रगदी का खपलू लेखिर का शमल सैन खपली दि सरजमीनी का दरिंग अति रायुल तफमलसोनी का मायात होने जो अति रायुली का आया अथो ने जो थौसीखर जर वी मलसी का इधंग अमला सोशल मीडिया का फोटो साथों से वोडियो साथों से वना अखबर वह को इधंग सु ओना दिक ओ जो अखबर वह लो अम्मा अर गुनवाह ला सु ग्रां से जो सु लम पोलॉजिक से गां पोलॉजिक से जो सु ओम में अम्मा दिरिंग एज ए दुनिया लगाए से स्तन मला चाम चर घसे मलसा वादी खपलू अति रायुलिंग युद्ध पिंजर बला माया दिनिंग थौसीखर थोने जो थौसीखर मस्जिद वो इधाला मुजिन सुलमत ना मई कैमरामैन मोहतरम खादिम नूरी साहब लगाए से तुन जर जो दे एलजोन युद्ध पर जो थौसीखर मस्जिद दिन जो थौसीखर मस्जिद पर जो तामीर सुर जो दुनमी वक्सी का खर चिन जरा जो दो बाला अमीर कबीर सैद अली हमदानी शाकपो से दि मस्जिद पो तामीर बेस पिन जरा जो वना दि मस्जिद पो जो थौसीखर थौसीखर मस्जिद दि थ्रू से न जो डुले जो करीबन 10-15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा डुले दि कथन मिन जो अब थौसीखर का जो इनाला जो दि खाद ना फिर गशा मंजर कुन जो देखा ना क्यों से जो शाही पुलगरोन खपलो शाही पुलगरोन खपली नुदाना जर जो सो नस्त बेंठो खुरे लाखपी पलो जश्न गांछे नो छोर पर पोंग सोला पलो जरत वना वक़्त चे तुन पा नमजे तुन पा दि गिरोन पिनो छोर पर पोंग गेन गेन गो गेन थुर गो थुर खोंग हल अस्त्रा मिन पा दोसे खपली जबरदस्त टीम कुन से जो पलो लेहमो त्यांग जो वना दुनमी वासे अगजान यत पिवाहला दे वासे नु इदाला अंगोजी नजु अगजान ये छोला काचो अली जरबिन सुक संबी चमन पिनु स्कंबेर चित्यां सना पोलो ला शोक से ले काचो अली गुंगे दहोक पो गेन फ्योक ला खेरे ना थुर फ्योक ला चोंगले काचो अली वना गिरम शों दुन शाही पिलगरोन खपलो शाही पिलगरोन पोला निंगोर इदाला अंगायसी स्तने जो राजा खपली खर पोजो राजा खपली खर पोइन जो जो मर गसा खर पोइन इन बिलखसूस करगिल लद्दाख खान कुल माथोन जो खरी आयसी रुगुनवाख पताल थाने तुन जो अब दिग न सोच जो इन लांग आयसी थाने जो दी पहला ग्रोम पोला नासिराबाद डेनिस जरबिन जो दी ग्रोम पोइन जो डेनिस जो दिग न सोच जो दी ग्रोम पोला जर जो गोमस ताजी दिग न गंभीर के सोच जो हच्छे देख ना इधाला अंगाई सिल्तान जो दू खपलो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल पोइन जो वंदी हस्पताल पोइन लगाई थौसीखर गुरान ने जो वन एम्बुलेंस कुल स्थान से जो एमरजेंसी वार्ड पर जो वना दि वाला खाद ना से जो खपलू दि हस्पताल पर जो
डेगा नसों से जो बालाई इरगशा और ग्रोम पजो अवना दी ग्रोम कुंजो बालाई ग्रोम पजो डेगा ना जर जो वनी नो मशों गांछे लुंबला या छबरु बापसल ले बोंगे फाचो फाचो कसल या शोख जरबत पि गांछे लुंबो इंजो वना दीर्घशा लोम्बो डिगना ओम फजू डिगना सोसजु खपुली दी सरजमीन गामा तबाह बेसना बाला पाइन जरजु डिगना सोसजु दरियाई शो वेनु अग्रीमेंट जुआ वना डिगना इदाला थोम एपी दीर्घशा इलाको बालाई जु मुल्दु मरेंजु दी नापो मोहतरम सेठ अनवर साहब नापो इंजु हाजी इब्राहिम इदाला बताए जो मशहूर जो ठेकेदार जो इंसान जो खांग आता कौम पल मिचू पता जो मिचू पी ना पोइन जो वना बहुत ज़बरदस्त जो अच्छा दिखा ने खोस जो इनाला आय सुल्तान जो दरिया शौक जो दरिया शौक चाम चर गशे जो दिखा ने खोस जो इनाला आय सुल्तान जो सलिंग स्पांटोक सलिंग स्पांटोक जरूरत पी दी मलसो जो वना दी वाला स्पांटोक इनाला आय सुल्तान जो ये जो खा बहरल रट साजो दो स्पांटोक साजो अच्छा दिल जो खोस सिलसिला कराक्रम में इरगशा ब्राह्मों जो जर जो बल्तिसानी को है हमालय को है हिंदुकश वना को है कराक्रम ये जर जो अब दी तरफ ले जाना ऐसी अस्तान जो दी पहला ग्रह पे जो चकचन मोरगोटो दी एरिया गामा जो दी जो दी खपलो पायन जो अब दिगा निशों से जो सोगा और ये नमस्कार दिगा जाना ऐसी सोगे जर जो सोगा ले इरगशा मलसा जो वन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिलखसूस खपलू डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर गांव से बहरहाल इंतजामिया लगाए जो छोगा यूल पो बिल्कुल दरेशो को तबाह होने जो ओम पीवा नमजीन जिला राह सिद्धांत से जो दी इलाको महफूज भेजो देगा निदान लग खेर बजो छोगा नसों से खरकू बलगा डगोनी वगैरह वगैरह आगे तक वन जो वना दी वाहला गया ये जो देर इधर सामने जो दिखा खपलू हाई स्कूल ग्राउंड संगाते ने जो वना दिल से इधर अटेंशन हो जो 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 बिल्कुल ये सामने हम आपको ले रहा है जो वन जो हाई स्कूल ग्राउंड पर समझो वन आए ना एम्बो जो मोहतरम खादिम हुसैन शाही पुल नूरी साहब आए ना एम्बो जो खादिम अशरकी साहब आए ना एम्बो जो वन स्पेशली आया दिन दिखा थोसेकर पैलेस से आया फोटो फिल्म औसत पर जो वीडियोग्राफी औसत पर जो वन खपलू सॉरी जो इनाल दिखा ऐसे खपलू नूरबख्शी खान को जो वन जरा जो एशिया नो शी कप शोस पे पी ले ही छो खान को इंजर जो वना बहुत ही ज़बरदस्त खान को जो है ये खाली लकड़ी से बनाया है जो वना जी गामा जो बाला बालाई ग्रोम कुंजू जी चिन सुगे जो बान पी हुंडीली अच्छा गलल टी जो जी लसर जो अब दिगर निखों से जो दी पाए नहीं जो आई गर्भों जो सरगों जो स्त्रोण भी जो सरग्याब जो मुल्दम और जो ब्राक्षण सर जो अब दिगा यो जो अस्करी गों जो यो चौफ पो जो बालाई पन अब दिगर स्फेत थम जो वना दी इलाका गामा माती खपली इरगशा मलसाई जो वना दू खेरे दरियाशो के इरगशा मलसाई जो वना इदांग स्टेन छो जो वना ओम एतिव हनम जिन सनिदान आया सी इरगशा इरगशा प्रोग्राम को नेला आया स्टेन दो जो जाहिद स्टोक यातोल इजाज सजबस थोसिखा रे दीर्घ शमल सिखा ना इदम इजाज़।